अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाया है बहुत ही चटपटे चटखारेदार मिर्ची के टिपोरे, जो कि एक राजस्थानी डिश है और पाकिस्तानी भी इसको कहते हैं मिर्ची का अचार। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, मिर्ची का अचार या मिर्ची के टिपोरे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, पहले सबसे मैं आपको वो बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम जो है ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली हमें वो चाहिए जो ज़्यादा तीखी ना हो, बड़ी वाली। आजकल विंटर सीज़न है तो आपको पता है बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारी सी हरी मिर्चें आई हुई हैं। उसके लिए हमने लिया है 2 लहसुन की पूरी पोथी जो होती है, या आप पूरी गड्ढी भी बोल सकते हैं। 2 लहसुन मैंने छील लिए हैं। 1 अदद मैंने लिया है लेमन, इसका मैं जूस ऐड करूँगी। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर या अमचूर पाउडर। यहाँ नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, या अप टू टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून धनिया साबुत, और 2 टेबल स्पून ही मैंने ली है सौंफ। ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट लेकर आएगी इसके अंदर, आप देखिएगा बना के कि बिल्कुल डिफरेंट ये डिश है। और मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ही हल्दी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम हरी मिर्च लेंगे और इसको इस तरह से कट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सा इसका प्रेजेंटेशन होगा। वो बड़े बुज़ुर्गों की मिसाल है ना, कि जो चीज़ आँखों को भाए वही आंतों को भी भाए। तो वही वाली बात है कि आप हमेशा खाना ऐसा बनाएं जो आपको आँखों को अच्छा लगे। आँखों को अगर भाएगा तभी वो आंतों को अच्छा लगेगा और दिल को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्रेजेंटेशन पे ज़रा फोकस करना चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो खाना बनाते हैं और बिल्कुल प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, तो वो गलत करते हैं। आप चाहे दाल बनाएं, चाहे साग बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि बिरयानी या टिक्का आप बना रहे हैं तो वही प्रेजेंटेशन अच्छी करें। आपको चाहिए कोई भी चीज़ आप बनाएं उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। तो इस तरह से मैं सारी मिर्चों को जो है वो बड़ा बड़ा कट कर लूँगी। हमने मिर्ची कटिंग कर ली है, फिर उसके बाद हमने जो ये ड्राई मसाले लिए हैं इनको एक ग्राइंडर के जार में डाल के ड्राई हम पीस लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ड्राई मसाले जो हैं वो इस तरह से मोटे मोटे थोड़े दरदरे से पीस लिए हैं। अब यहीं पे मैं इसके अंदर जो मैंने 2 लहसुन की गठियाँ ली थी वो इसमें ऐड करके, और बिल्कुल नन्ना सा तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैं इसमें पानी डाल के इसको पीस लूँगी। सबसे पहले हमने एक पैन लिया और उसके अंदर तकरीबन 1/2 कप ऑयल ऐड करूँगी मैं। आप चाहें तो सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे मज़ीद जो है ये टिपोरे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। लेकिन मेरे घर में सबको सरसों का तेल जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं आम कुकिंग ऑयल ही यूज़ करूँगी। व्यूअर्स, हमने ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी, और हरी मिर्च के साथ ही हम जो 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है वो इसमें ऐड कर दूंगी, और हल्दी के साथ इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस ये हल्दी हमारी फ्राई हो जाए थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये जो मैंने लहसुन और सारे ड्राई मसाले इस तरह से पीस लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। स्पैचुला की मदद से तमाम मसाला अच्छी तरह जार में से साफ कर लूँगी, कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए, ताकि वाह क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है पूरे घर में। और अब पड़ोसी भी ऐसा ना हो पूछने आ जाए कि भाई आपने क्या बनाया है आज यम यम फूड स्पॉट। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें सौंफ, धनिया और ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ले लिया है उसी ग्राइंडर के जार में जिसमें मसाला पीसा था,
ताकि हमारा मसाला भी ज़ाया ना होने पाए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी मैं और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख के छोड़ दूंगी। तो व्यूअर्स यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये मिर्ची के टिपोरे, हमारी जो हरी मिर्च है वो भी गल चुकी है। बस इस टाइम हम इसके अंदर जो मैंने 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर लिया था वो ऐड करूँगी, साथ ही जो मैंने लेमन लिया था तकरीबन 4 टेबल स्पून लेमन जूस है वो इसमें ऐड करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही मेरे बच्चों का तो फेवरेट है ये। इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन की और ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा। बीपी के लिए आपको पता है कि लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है। बस ये हमारा तैयार है चटखारेदार चटपटे मिर्ची के टिपोरे। तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।